कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब एवं चंडीगढ़ बीजेपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने स्पष्ट कर दिया है कि अड़कर कभी लोकतंत्र नहीं चलता, इससे संविधान की हत्या हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव के लिए रविकांत शर्मा, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए महेंद्र सिंघू और डिप्टी मेयर के लिए प्रोमिला भाजपा के उम्मीदवार होंगे और चुनाव में जीतेंगे। इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं चंडीगढ़ बीजेपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं और भाजपा ने किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, इस मेरे साथ हैं राज्यसभा सांसद एवं पंजाब एवं चंडीगढ़ भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम, इनसे जानते हैं। जी गौतम, चंडीगढ़ के लिए अभी हम थोड़े दिन पहले आए थे, सभी 65-70 लोगों से राय ली गई थी, सभी वरिष्ठ नेताओं से राय ली गई थी। वे राय हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को बताया और केंद्रीय नेतृत्व ने आज सुबह हमें इंगित किया मेयर पद के लिए अपने रविकांत शर्मा, डिप्टी सीनियर डिप्टी मेयर के लिए महेंद्र सिंधु और मेयर के डिप्टी मेयर के लिए फर्मिला, इन तीनों का नाम निर्धारित हुआ है। सभी ने उत्साहवर्धन कर उनका नामांकन किया है और हमें लगता है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे अरुण सूद जी के नेतृत्व में उन्हें हमारी सरकार वहाँ पहुँचेगी। गौतम जी, एक किसानों का मुद्दा भी चल रहा है, किसान अड़े हुए हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? देखिएगा, लोकतंत्र के अंदर संवाद होता है, संवाद के बाद समाधान निकलता है। अड़कर कभी लोकतंत्र नहीं चलता, संविधान की हत्या ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बार बार सरकार 8-9 बार सिटिंग कर चुकी है, बुला चुकी है, बात कर चुकी है। अब इनका मानना है कानून को फाड़ दें, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, महिला कानून मुलायम सिंह यादव ने फाड़ा था, ऐसे ही अभी केजरीवाल ने कानून फाड़ा था, मनमोहन सिंह ने एक बिल पास किया था, राहुल गांधी ने फाड़ा था, जनता ने उनको सबक सिखा दिया, वो आज जमीन पे कहीं भी दिखाई नहीं देते। ऐसे कानून बनाकर फाड़ने वाले लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। हम बैठकर बात करने वाले हैं, क्या कारण है आज क्यों किसानों के हक में कानून नहीं बन रहा? ये लोग सारे के सारे पहले बोलते रहे, मनमोहन सिंह जी ऑलरेडी बोलते रहे, शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टरों को कहा था कि मैं अनुदान नहीं दूंगा अगर ये कानून लागू नहीं करोगे। अमरिंदर सिंह ऑलरेडी कानून बना लागू कर चुके हैं, अंबानी अडानी के साथ में बैठ चुके हैं, कंट्रैक्ट फार्मिंग चालू कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों की जमीन खिसक चुकी है, इनका जमीन पर कोई जनाधार नहीं है, इसे भोले भाले किसानों पर कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। गौतम जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? वो आप भी जानते हैं जिनका जनाधार खिसक चुका है। जो लोग पहले कहते थे, इसमें अकाली दल भी है, खुद जो उनकी बहू है जो मंत्री थी, उसका मई का स्टेटमेंट देखिएगा ना आप, जिस समय हमारे साथ में अलायंस में थी, मई में उसने कहा था कानून बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, ये अच्छा किया, अमरिंदर सिंह कहता बहुत अच्छा किया है, बढ़िया किया है, सभी वो लोग थे। और ये अभी नहीं है, इनकी मानसिकता विरोध करने की है। CA ये लाना चाहिए था, हम लेके आए तो इन्होंने विरोध किया, है ना। GST ये लाना चाहिए था, ये कहते अच्छा है, हमने किया तो विरोध किया। ये इस बिल के, किसान बिल के लिए अपने मैनिफेस्टो में भी लिखते हैं ये, और हम लेके आते विरोध करते, और विरोध की सीमा इतनी बढ़ जाना कि आज जैसे टावर तोड़े गए हैं, आपको मालूम है टावर से कितनी बड़ी हानि जनता की है? आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए नेटवर्क नहीं मिल रहा है, किसी को एग्जाम देना है, किसी को नौकरी के लिए ढूंढना है, और तो किसानों का भी इसमें नुकसान हो रहा है। किसान तो ऑनलाइन ही पढ़ता है DD पर, DD न्यूज़ पर, वो कुछ नहीं कर पा रहा उसके अंदर। इसे लगता है ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जमीन देख रहे हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से 85% लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं और वो किसानों के हित में ही है। ये थे मेरे साथ राज्यसभा सांसद एवं पंजाब एवं चंडीगढ़ प्रभारी दुष्यंत गौतम। इन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लोग गोली चलाना चाहते हैं, जिनका राजनीतिक आधार खत्म हो गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।